हाय गाइस, वेलकम टू मनी मनीष चैनल। मैं आपका होस्ट और दोस्त मनीष फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी मनीष में। दोस्तों, आज एक और वीडियो के साथ हाजिर हूं और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा दोस्तों कि मैं बताने वाला हूँ कॉपीराइट स्ट्राइक आती है तो कैसे उसको रिमूव करें। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो यूट्यूबर्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो नए यूट्यूबर्स हैं और उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कैसे कॉपीराइट को स्ट्राइक को रिमूव करें। ठीक है, मैंने दोस्तों कैसे रिमूव किया रियल और जेन्युइन वे में मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, क्योंकि मैं इस टाइप के वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं हम फिर से। मुझे दोस्तों, मैं अभी खुश इसलिए हूँ क्योंकि मुझे मेरी जो कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी वो रिमूव हो गई। दोस्तों बहुत मैं परेशान हो गया था कि भाई कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों आ गई मेरे को एकदम अचानक से। एक दिन मैंने सुबह सुबह जैसी मेल खोला और जैसी मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला तो देखा कि कॉपीराइट स्ट्राइक। मैं बोला ये कैसे हो गया, मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया कि कोई कॉपीराइट स्ट्राइक दे दे मुझे, ऐसा कैसे हो सकता है, आई डोंट बिलीव दिस। मैंने ना किसी, क्योंकि मैं कभी ना किसी की वीडियो चीट करता हूँ दोस्तों, ना कभी किसी के और के वीडियो अपलोड करता हूँ। मेरा एक रियल वीडियो और रियल चैनल है, तो इसमें मैं, आप लोग सब जानते हैं दोस्तों कि मैं रियल वीडियो डालता हूँ और ट्रू वीडियो डालता हूँ, तो उसी को देखते हुए मैं बहुत सोचना पड़ गया कि अचानक ये सब कैसे हो गया भाई। फिर मैंने दोस्तों खोला तो मुझे ये आ गया और उसके बाद यहाँ पे देख सकते कैसे आती है कॉपीराइट। ये जैसे यहाँ पे ये जो था चेहरा एकदम से गुमसुम हो गया, यहाँ पे आ गई थी, ये जो ग्रीन वाला है वो यहाँ पे आ गया। के बाद यहाँ लिखा आ गया था यू गेट वन कॉपीराइट स्ट्राइक और यहाँ पे वार्निंग आ गई थी यूट्यूब की तरफ से दोस्तों कि अगर आपके पास 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई तो आपका चैनल को हम रिमूव कर देंगे या फिर बंद कर देंगे या फिर जो भी है, बहुत सारी चीजें थी। तो क्योंकि बिना कोई रीजन के यूट्यूब ऐसा नहीं करता है दोस्तों, और किसी के कहने पर भी इस टाइप से नहीं करता है, वो बहुत ही मेजर कंडीशन में करता है और पूरा सोच समझ के देख परख के करता है दोस्तों। तो दोस्तों हुआ यूं था मेरे केस में कि मुझे, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था कि कैसे आई। मैंने पता लगाया तो उसमें दोस्तों वहां पे नाम वगैरह सब आ जाता है कि किसने आपको कॉपीराइट स्ट्राइक किया। तो दोस्तों मेरे को जो कॉपीराइट स्ट्राइक हुआ था वो क्रिप्टोरिच, एक बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं यूनाइटेड किंगडम से, उनकी तरफ से हुआ था। पर वो क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी दोस्तों, और कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण मेरे यूट्यूब पे एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई थी। तो मैं, मेरे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं थे दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। देखो ये है मिस्टर क्रिप्टोरिच, ही इज अ बिग यूट्यूबर फ्रॉम यूके यूनाइटेड किंगडम। तो देर आर 3 वे, देखिए दोस्तों इस, मैं बता रहा हूँ आपको 3 वे है इसको रिसोल्व करने के। या तो आप वेट करो 90 दिन तक, ठीक है, ये ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगी, या रिट्रैक्शन के लिए आप अपने पर्सन को बोलो जो जिन्होंने कॉपीराइट स्ट्राइक दिए उनको आप क्लेम के लिए बोलो, ठीक है, रिट्रैक्ट करने के लिए बोलो, या फिर काउंटर नोटिफिकेशन करो कि योर वीडियो वाज मिस्टेकली रिमूव बिकॉज इट वाज मिस आइडेंटिफाइड एज एजेंसी। तो आप वो सब फिर आगे का प्रोसेस है, काउंटर नोटिफिकेशन वो एक अलग चीज है, फिर उसके लिए समझाना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों 3 ऑप्शन रहते हैं आपके पास, या तो आप वेट कर लो 90 दिन तक, मेरे लिए ऑप्शन था, लेकिन मैं बोला मैं वेट क्यों करूं, मैं गलत नहीं हूं तो वेट क्यों करूं, मेरे पास कॉपीराइट स्ट्राइक आई है। तो दोस्तों मैंने क्या ऑप्शन चूज किया, गेट रिट्रैक्शन। मैंने बोला उनसे डायरेक्ट बात करूंगा मैं, तो मिस्टर क्रिप्टोरिच से मैं बात किया, उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने उनको मेल किया दोस्तों, मेल किया, मैसेज किया उनके यूट्यूब चैनल पे, उनको मेल किया, उनको मेल किया, तो देख सकते हैं दोस्तों आपको, आपको मैं लाइव बता रहा हूं यहाँ पे, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया और उनका क्या जवाब आया। मैंने बोला सर, हेलो सर, आई गॉट कॉपीराइट स्ट्राइक फ्रॉम माय साइट फ्रॉम माय इलेक्ट्रॉनिक वीडियो। और दोस्तों जो वीडियो है वो मैं बता देता हूँ वो किस वीडियो की वजह से आया, वो इस वीडियो की वजह से आया दोस्तों। हुआ क्या था कि जो एक मैंने अपडेट दी थी, अपडेट देने के चक्कर में, आप लोग को अपडेट रखने के चक्कर में मैंने अपने चैनल को कॉपीराइट स्ट्राइक लगवा ली। क्यों लगाई दोस्तों, मैंने जो ये कंटेंट डाला था इलेक्ट्रॉनियम के ऑफिशियल वेबसाइट से लेके, मैंने अपडेट का आपके इसमें वीडियो आपको बताने के लिए कि आप
को आगे रखने के लिए मैंने डाला था दोस्तों। लेकिन हुआ क्या कि सेम कंटेंट इन्होंने भी डाला था, क्रिप्टो रिच ने सेम कंटेंट डाला था। और हुआ क्या दोस्तों, ये सेम हमारा जो थंबनेल था सेम था, सेम था। तो क्रिप्टो रिच सर ने मेरे चैनल पे विजिट करते रहते थे, तो एक बार इन्होंने ऐसे देखा तो इनको क्या लगा, इनको एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि मैंने इनकी वीडियो अपने इसमें डाउनलोड कर ली। तो बस वही चीज है दोस्तों, फिर मैंने इनको रीजन पूछा, इनको मेल किया। आप देख सकते हैं मेल आपके सामने है दोस्तों कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग ये हुई है कि ये तो मेरा खुद का क्रिएशन है और मैं खुद प्रमोटर और मेंबर हूं इसका, तो आपने क्यों मुझे किस रीजन की वजह से किया। तो दोस्तों बहुत ही हम्बल और बहुत ही एक रियल तरीके से इन्होंने मुझे मैसेज किया। आप पढ़िए क्या किया इन्होंने मुझे मैसेज। हाय मनीष, थैंक यू फॉर बीइंग इन टच, आई हैव लुक थ्रू योर चैनल, आई विल रिट्रैक्ट द क्लेम। रिट्रैक्ट द क्लेम मतलब मैं वापस ले लूंगा, प्लीज सेंड मी योर यूआरएल, वीडियो का यूआरएल भेजो। अब उन्होंने रीजन क्या लिखा देखो दोस्तों, what you may not know is that many of my video get copied since posted the video of the mobile miner demo richard ellis sent me to put on youtube। matlab richard ellis ceo ne khud inko video diya tha ki aap apne isme daliye, aur mere paas bahut sare 15 aise mamle aaye jinhone kiya, to aap mind mat karo inhone likha mujhe theek hai। तो इसी वजह से मैंने कॉपीराइट का क्लेम किया, ऐसा इन्होंने मुझे बोला। तो हाउ अबाउट दिस, आगे क्या बोला, आई विल रिटेक द कॉपीराइट नोटिस। इन्होंने कहा कॉपीराइट नोटिस मैं रिटेक करूंगा, यू देन डू अ वीडियो विद रेफरेंस ऑफ माय वीडियो, परहैप्स यू कुड टॉक ओवर इट इन हिंदी। इन्होंने मुझे कुछ और स्पेशल ऑफर दिया कि आप मेरे वीडियो रेफरेंसेस आप खुद करो और उसमें हिंदी में बोलो आप। आई वुड ऑल्सो बी अप फॉर डूइंग अ शेयर वीडियो विद यू, मैं आपके साथ शेयर वीडियो भी करूंगा उन्होंने बोला, in which we discuss how ATN could be used in Indian minutes। ATN क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोनियम से है और मैं भी इलेक्ट्रोनियम कर रहा हूँ दोस्तों, बहुत बड़ा, मैं भी इसको अच्छे से प्रमोट कर रहा हूँ क्योंकि इट्स बेस्ट करेंसी, क्रिप्टो करेंसी जो माइनर बेस है और जो सारे मोबाइल माइनिंग के ऊपर बेस है, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं इसको प्रमोट किया और इसको मेंबर भी हूँ उसका दोस्तों। फिर उन्होंने बोला आप अपने चैनल पे इसको पोस्ट करना, ऐसा ऐसा उन्होंने बोला। तो दोस्तों आप जानते हैं कि हम इंडियंस में खास बात होती है कि अगर कोई हमको हमारे लिए कुछ काम करता है या कुछ हमारे लिए अच्छा कुछ करने की कोशिश करता है दोस्तों और हमसे बहुत ही तो हम उसको धन्यवाद करना कभी नहीं बोलते और उसको थैंक करना नहीं बोलते, क्योंकि ये हमारी इंडियंस की प्रथा है, ठीक है दोस्तों। तो सेम वे में मैंने उनको थैंक्स बोला, मैंने उनको बोला कि सर थैंक यू, और मैं अभी भी उनको बोल रहा हूँ अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सर क्रिप्टोरिस थैंक यू वेरी मच फॉर रिट्रेट, ठीक है, एंड फॉर रियली फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो दोस्तों इस तरह मैंने सिर्फ उनको मेल करके और उनसे अच्छे से बात करके, उनसे रिक्वेस्ट करके मैंने कॉपीराइट स्ट्राइक को हटाया, क्योंकि उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुई थी वो दूर कर दी मैंने कि भाई मैंने आपका वीडियो नहीं लिया है, मैंने ऑफिशियल वीडियो लिया है, मैं एक रियल यूट्यूबर हूँ। उन्होंने मेरा चैनल देखा, मेरा पूरा वॉच किया चैनल, और उनको बहुत पसंद आया दोस्तों, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया मुझे, और मैं भी उनको थैंक्स बोलूंगा फिर से, क्रिप्टोरिच सर थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग मी एंड माई चैनल। और हम लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोनियम को हम लोग बहुत ज्यादा वो करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनियम एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप अगर इलेक्ट्रोनियम लेना चाहते हैं तो आप क्रिप्टोपिया से अभी ले सकते हैं, एक्सचेंज से, मैंने उसके रिलेटेड भी वीडियो डाला है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह मैंने कॉपीराइट रिमूव की, बहुत ही आसान में है दोस्तों, या आप 90 दिन वेट कर लें या फिर आप इस रिट्रैक्ट कर लें। तो ये रिट्रैक्ट करना बहुत अच्छा होता है दोस्तों, आप किसी को रिक्वेस्ट करें, अगर वो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, समझता है, वो सही चीज पाता है आपको, तो आपको जरूर करेगा। तो होप यू अंडरस्टैंड, आप लोगों को बहुत हेल्प मिली हो इस वीडियो से, थैंक यू, बाय, टेक केयर। Jane.